Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के पराठे। बेसन के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ हरी प्याज ली है, 4 मैंने हरी प्याज ली है। उन्हें इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, बहुत बारीक काटना है ताकि बेलने में आसानी रहे। एक गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, आप देख सकते हैं कितना बारीक काटा है मैंने। और एक गड्डी मैंने पुदीना लिया है, पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था उसके बाद काटा है। और ये मैंने 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है, उन्हें भी मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और ये अजवाइन ली है मैंने 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, और 4 टेबल स्पून ऑयल। मैंने 1/2 किलो बेसन लिया है, इसे छान लिया है, और ये 1 पाव आटा लिया है। जितना हम बेसन लेंगे उसका हाफ हमें आटा लेना है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आटा और बेसन अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद मैं इसमें ये डाल रही हूँ हरे मसाले। और ये हरी प्याज जो मैंने काट कर रखी थी वो डाल दी है, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। ये कलरफुल बहुत अच्छे लगते हैं, आप जितने हरे मसाले चाहें ऐड कर सकते हैं। हरे धनिया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल रही हूँ, मैंने डाल दिए हैं इसमें, इन्हें भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ऑयल से ये सॉफ्ट बनते हैं। ये मैंने ऑयल डालकर भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालकर इसे गूंद लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना है इसे। इसकी बहुत हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनानी है, जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं पराठों के लिए, उस तरह से ही गूंदना है इसे। ये देखें इस तरह से, ये देखें मैंने इसे गूंद लिया है। ये देखें किस तरह से गूंद लिया है मैंने इसे, ये देखें। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख दूंगी, इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तो आइए चलिए अब हम चटनी पीस लेते हैं। इसके साथ लाल चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। मैंने 1/2 कप मैंने इमली ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, मैं इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उन्हें छील कर काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। 20 से 25 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, और ये 1/2 टीस्पून नमक। अब मैं इसे पीस लूँगी, मैं इसे सिल पर पीसूँगी, ग्राइंडर में नहीं पीसूँगी। सिल पर पीसी हुई चटनी का ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं इसे सिल पर पीसती हूँ, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में पीसें, अदरवाइज़ आप सिल पर ही पीसेंगे तो ज़्यादा जायका अच्छा आएगा। चले मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने चटनी पीस ली है। तो आइए चलिए अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। पराठे बनाते हैं।
तो हमने इसे रेस्ट देने के लिए रखा था। वही मैंने आटा निकाल लिया है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे या बड़े जितने भी आप चाहें, जिस साइज़ के भी चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से आप इसका पेड़ा बना लें। चार पेड़े बना कर रख लेती हूँ। ये देखें मैंने इस साइज़ के चार पेड़े बना कर रख लिए हैं। अब मैं आपको इसे बेल कर बना कर दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने आटा स्प्रिंकल किया है, ये पेड़ा इस तरह से। अब मैं इसे इस तरह से कूल कर लूँगी। अब मैं इसे इस तरह से बेल लूँगी। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है बिल्कुल गोल। अब मैं इसे तवे पर डालूँगी। तवा हमारा गरम हो चुका है, मैं इस पर ये रोटी डाल दूंगी। एक मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। देखें मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब मैं इस पर घी डाल रही हूँ। इस तरह से अब मैं फिर इसकी साइड चेंज करूँगी। देखें इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार होती है। मेरी तो बहुत फेवरेट है बेसन का पराठा, बेसन की रोटी। अगर आप चाहें तो ऑयल ना लगाएं इस पर, तो ये बेसन की रोटी बन जाएगी। मैं इस साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। अब मैं इसकी फिर साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे बेसन के पराठे पर। अभी तकरीबन सिक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें अब मैं इसे इस पर निकाल लिया है मैंने। ये देखें गर्मा गर्म बेसन के पराठे तैयार हैं, और ये चटनी के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरे आज के बेसन के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल महक इन द किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।